और नहीं ये मैं नहीं ये मैंने किसके लिए किया आज खुलासा कर रही हूँ मैं एक मनोज टाइगर जी के साथ फिल्म कर रही हूँ लागल रहा बताशा उनके सामने पतली दिखने के लिए लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा कि या अली बजरंगबली दरअसल ये सिनेमा जो है ये सिनेमा हिंदुस्तान को दर्शाता है हमारे हिंदुस्तान को एकता को दर्शाता है जो हमारे जो लोग कहीं ना कहीं जो लोग कहीं गलत बातें करते हैं हिंदू और मुसलमानों को लेकर ये उनके अंदर के प्रेम भाव को दर्शाता है और साथ ही साथ इस सिनेमा में जितने भी ट्विस्ट हैं वो अब तक भोजपुरी में नहीं देखने को मिला है और बहुत ही उसी सोच के साथ इस सिनेमा का निर्माण हो रहा है और रफीक जी उसी सोच को लेकर इस सिनेमा को बना रहे हैं। जब इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को मेरे सामने रखा था मैं कहीं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों या वैसा क्यों या ऐसा क्यों, मैं बस सुनते जा रहा था शुरुआत से एंड तक। और जब एंड जैसे ही फिल्म का क्लाइमेक्स खत्म हुआ इन्होंने बताया, मैंने बोला सर ये आप लिख के ले लीजिए पेपर पे, ये फिल्म श्योर शॉट ब्लॉकबस्टर है और आप प्लीज़ इसे बनाइए। और जिस तरीके से आपने बताया अगर ये फिल्म ऐसी बन गई तो ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म होगी जिसे हम जो हम सभी लोग चाहते हैं, जितने भी एक्टर हम चाहते हैं, जितने भी लोग जो ऐसी सिनेमा ऐसे कुछ सिनेमा करने का हम सभी लोग प्रयास करते हैं कि ऐसा सिनेमा हमारी झोली में आए और हम ऐसा सिनेमा किया जाए। इसमें और बताएं कुछ? हाँ, इसमें आम्रपाली जी का एक बहुत ही खूबसूरत सा ये जो गाना है इसके साथ साथ इसमें निधि झा हैं, इसमें काजल यादव हैं और भी बहुत ही खूबसूरत लोग हैं, राजप्रेमी हैं जो विलेन हैं, बहुत ही लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं।